हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल रीड द चैप्टर दैट्स नेम इज स्ट्रेंज टॉक। आइए हम इस पोएम को रेसाइट करते हैं और इसको समझते हैं। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर ए लॉक। कह रहा है कि एक छोटा ग्रीन फ्रॉग था, फ्रॉग मीन्स मेंढक, लिव्ड अंडर ए लॉक। लॉक मीन्स होता है एक लकड़ी का टुकड़ा। कह रहा है एक लकड़ी का भाग जो होता है, जैसे इस तरह से एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉक कहते हैं। तो कह रहा है कि वो लॉग पे क्या करता था, रहता था, उसके अंडर में रहता था। एंड एवरी टाइम, और हर समय ही स्पोक इंस्टीड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग। यानी कह रहा है कि गुड मॉर्निंग कहने की जगह पे वो हमेशा क्या बोलता था, ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। यानी मेंढक की जो टर्टर की आवाज़ होती है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्रॉक क्रॉक। तो मेंढक हमेशा क्रॉक क्रॉक बोलता था, वो कभी गुड मॉर्निंग नहीं बोलता था। नेक्स्ट है, ए डक लिव्ड बाय द वाटर साइड। और उसी वाटर साइड के मिस पास एक डक रहता था। एंड लिटिल डिड ही लैक, ठीक है, और उसमें भी क्या थी, कमी थी। बट व्हेन ही आस्क, जब उससे पूछा जाता था हाउ डू यू डू, अब कैसे हो, ही ओनली सेड क्वैक क्वैक। वो हमेशा केवल क्वैक क्वैक ही बोलता था। मीन्स उसको भी मतलब किसी तरह का रिप्लाई नहीं देना था। मीन्स जो मेंढक क्रोक क्रोक और जो डक है वो कैसा, क्वैक क्वैक की आवाज़ दोनों निकालते थे। नेक्स्ट है, ए लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई। एक स्टाई मीन्स होता है सुअर बाड़ा। एक सुअर बाड़े में, ठीक है, एक क्या रहती थी, एक सुअर रहती थी, एक सुअर रहता था, ठीक है। एज फास्ट एज ही कुड बी, जितना तेज उससे हो सकता था। व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, जब भी उसे रात्रि के भोजन के लिए पूछा जाता था, तो ही क्राइड लाउड, वो केवल तेज से चिल्लाता था, वी वी, ठीक है। यानी उसे तेज केवल आवाज़ आती थी वीवी की। तो अब सुअर की आवाज़ को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वीवी। और मेंढक को बताया क्रोक क्रोक, और डक का आवाज़ कैसा है, क्वैक क्वैक। अब उसके बाद है थ्री पप्स। पप्स मीन्स होता है कुत्ते के बच्चे। तीन पप्स थे लिव्ड इन ए कैनल। कैनल मीन्स होता है कुत्ता घर। जैसे स्टाई होता है, जहाँ पे सुअर को रखा जाता है उसको स्टाई बोलते हैं, और कुत्ते को जहाँ रखा जाता है उसे हम कैनल बोलते हैं। तो उसमें तीन पप्स रहते थे, ठीक है, थ्री पप्स थे। एंड लव टू मेक अ रो, और वो हमेशा प्रेम करते थे कि रो में रहना है। रो मीन्स पंक्ति में रहना, देखिए एक के पीछे एक है। एंड व्हेन दे मिंट, और जब भी वो क्या करते थे, उनका मतलब गो आउट, बाहर जाने का, जब भी वे बाहर जाते थे, दे सेड वाव वाव वाव, मीन्स वो कुत्ते की आवाज़ क्या करते थे, निकालते थे। अब नेक्स्ट क्या है, इफ़ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच, यदि ये सभी इतनी ज़्यादा बात करते हैं ये सभी जानवर, एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉय, जैसे कि छोटे बच्चे और बच्चियाँ क्या करते हैं, बात करते हैं। तो कह रहा है कि एंड ऑल ऑफ देम, और जो उसमें से ऑल ऑफ देम क्राइड टू स्पीक एट वंस, यदि सभी एक साथ बोलना क्या करें, शुरू कर दें, तो वुडंट इट मेक अ नॉइज, तो क्या ये शोर नहीं होगा, तो एक तरह का क्या हो जाएगा, एक मिक्स साउंड हो जाएगा अगर सभी एक साथ मिलकर बोलना शुरू कर दें, तो एक स्ट्रेंज साउंड भी हो जाएगा। तो इसलिए इसमें क्या कहा है, स्ट्रेंज टॉक, कि लोगों की अनोखी बातें, मतलब किस तरीके से लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो आइए हम इसमें न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स में लिखा है इंस्टीड। इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय। लैक मीन्स होता है कमी। स्टाई मीन्स होता है सुअर बाड़ा। कैनल मीन्स होता है कुत्ता घर। रो मीन्स होता है पंक्ति, ठीक है, कि रो में लाइन से रहना। और मिंट मीन्स होता है मतलब। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है। जैसे लिखा है रीडिंग इज़ फन, पढ़ना क्या है, मज़ा है। अब जो हमने पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आंसर रखा, हमें हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। लिखा है आर दी सेंटेंस ट्रू आर फाल, ए लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक। तो एक लिटिल ग्रीन फ्रॉग है, वो क्वैक क्वैक बोलता है, हमने आपको बताया उसकी आवाज़ क्या आती है, क्रोक क्रोक, तो ये फाल्स है। नेक्स्ट है, ए लिटिल पिग लव टू मेक अ रो। पिग जो है वो रो बनाना पसंद करती है, नहीं, पप्स रो बनाना पसंद करते हैं, तो ये भी क्या है, फाल्स है। ए डक ओनली सेड क्रोक क्रोक, डक क्रोक क्रोक नहीं करता है, फ्रॉग कहता है, तो इसलिए भी स्टेटमेंट क्या है, फाल्स है। अब क्या है, ए पिग क्राइड लाउड, एक पिग जो है वो तेज चिल्लाती है, कैसा, वी वी, तो ये ट्रू है। तो हमने इसमें ट्रू फॉल्स किया। नेक्स्ट देखते हैं,
कंप्लीट द क्वेश्चन विद द वर्ड्स इन द बॉक्सेज. इस बॉक्सेज में जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें इनसे क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स हैं इनको कंप्लीट करना है. तो आइए देखते हैं. जैसे लिखा है कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है. ओल्ड आर यू, तो हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं. डू यू प्ले, तो वेयर व्हेन डू यू प्ले, मीन्स तुम कब खेलते हो, या ये भी हो सकता है कि तुम कहाँ खेलते हो. लेकिन यहाँ पे लीव का आ गया है तो इसमें प्लेस पूछा जा रहा है, तो इसलिए वेयर यहाँ लगाएंगे. वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो. तो जब आपसे टाइम पूछा जाए तो टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हेन, और जब प्लेस पूछा जाए तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर. अब नीचे क्या है, नीचे देखते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि टिक द करेक्ट वर्ड. अब इस सेंटेंस को पढ़ना है और जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं इसमें से आपको करेक्ट वर्ड, ये जो मीनिंग निकालेंगे सेंटेंस का, तो उससे पता चल जाएगा. लिखा है वी डिड नॉट इन द क्लास, तो शूट है एक साउट है. तो हम शूट मीन्स होता है किसी को मारना, और साउट मीन्स होता है चिल्लाना. तो हम क्लास में मारते हैं, चिल्लाते हैं. लिखा है वी डिड नॉट साउट इन द क्लास, यानी हम क्लास में क्या नहीं करते, शोर नहीं करते. तो इस पर हमें क्या करना है, टिक कर देना है. नेक्स्ट है कि डू यू लाइक टू ड्रिंक. एक है वोटर, वोटर मीन्स होता है मतदाता, एक है वाटर. तो क्या है, डू यू लाइक टू ड्रिंक, तो ड्रिंक क्या होगा, वाटर. तो आप यहाँ पे वाटर पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे. नेक्स्ट है ही ट्राइड. ही ट्राइड मीन्स उसने कोशिश की. तो ट्राइड, ये टायर्ड मीन्स होता है थकना, लेकिन ये क्या है, ही ट्राइड मीन्स उसने कोशिश की टू क्लाइंब द ट्री. किस पे चढ़ने का, पेड़ पे चढ़ने का. विल यू प्लीज, ठीक है, तो प्लीज मीन्स ये क्या है, मेरा रिक्वेस्ट वाला वर्ड है. तो लिखा है कि विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मुझे कृपया मदद करेंगे. अब लिखा है आई कैन सी विद माई आईज, ठीक है. तो ये सी मीन्स समुद्र है, होता है, और इस सी मीन्स होता है क्या, देखना. तो मैं अपने आँखों से क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ. तो हमारा सही क्या होगा, ये. तो इस पर आपको क्या करना, टिक कर देना है. इसमें आपको उस पर टिक कर देना है, इसमें प्लीज पे टिक कर देना है. तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया. अब नेक्स्ट है, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, मेक सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स. जो रेड कलर के जितने वर्ड हैं इससे हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है. जैसे ही इज हैप्पी, वो खुश है. दे आर रेडी टू प्ले, वे खेलने के लिए तैयार हैं. आई हैव अ फ्यू बुक्स, हमारे पास कुछ किताबें हैं. सी हैज़ गुड नॉलेज, उसके पास अच्छा ज्ञान है, ठीक है. और क्या है, राम हैड अ गोल्डन वॉच, राम के पास एक क्या है, गोल्डन वॉच है. तो आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर नंबर के साथ हम इच का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं. उसी तरीके से जब कोई चीज़ पास में हो तो वहाँ पे हम सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ हैव और सिंगुलर के साथ हैज, और पास टेंस में अगर सेंटेंस हो तो हैड हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ प्रयोग करते हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन आंसर किए. और आगे हम देखते हैं कि राइट 5 lines ऑन माई पेट. आपके पास कोई पेट हो, पालतू जानवर है, तो उस पर 5 lines लिखना है. आपके पास कोई और भी पालतू जानवर हो सकता है. एक यहाँ पे हमने मॉडल आंसर दिया है, आप इसे देखिए. अगर आपके पास कोई दूसरा पालतू जानवर है तो उसके बारे में लिखिए. जैसे है आई हैव ए पपी, मेरे पास एक पपी है. हिज नेम इज़ रॉकी, उसका नेम क्या है, रॉकी है. तो देखिए, किसी के नाम का पहला अक्षर कैपिटल से होता है, इसमें वो मिस प्रिंट हो गया, तो ROCKY कर दीजिएगा. हिज नेम इज रॉकी. और उसके बाद ही लव्स टू ईट ब्रेड एंड मिल्क, वो दूध और ब्रेड खाना पसंद करता है. नेक्स्ट है ही प्ले विद मी एंड माई फ्रेंड्स इन द पार्क, और पार्क में मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ खेलना क्या खेलता है. ही इज़ वेरी फेथफुल, वो बहुत ही वफादार है. तो इस तरीके से हमने अपने पेट के बारे में 5 lines क्या किया, लिखा. तो आप इसे देखिए, इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.